अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार। और जैसे कि आज जो है वो एमडी कैट हुआ जीएसएमयू की तरफ से जो कंडक्ट किया गया प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर 2023 के लिए, तो इसके जो केमिस्ट्री, इंग्लिश और जो है लॉजिकल रीजनिंग है, इसके आंसर कीज जो है वो इन डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने आज टेस्ट दिया है या वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर टेस्ट देने वाले हैं 2024 में, उनको जो है वो क्वेश्चंस के बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री के यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन पहले मैं सॉल्व कराऊंगा, देन उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो है 54 क्वेश्चंस हमारे पास इसके होंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन 69 से स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड। इनमें कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल हमारे पास होता है, दिस इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी, तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल होता है, यहाँ पर OH आ गया। ठीक है, तो जब हम इसकी यहाँ से हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दें अगर, ठीक है, बाय यूजिंग निकल कॉपर कैटलिस्ट, सो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड हमारे पास फाइनली बनेगा, दिस विल बी एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, डिहाइड्रोजनेशन, कि हाइड्रोजन की रिमूवल से एसिटाल्डिहाइड जो कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में या फिर इथानल में। क्वेश्चन 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर। अब ये एक्सेस अमाउंट में इथाइल अल्कोहल लिया जा रहा है, तो उसका मतलब कि यहाँ पर हम 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लेंगे। तो जब 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल अगर लिया जाएगा या इथानॉल लिया जाएगा और हम जो है उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा और वाटर की रिमूवल करके, वाटर को रिमूव करके हमारे पास जो है वो डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा ए, दैट्स डाई इथाइल ईथर। क्वेश्चन 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन। तो आयोडोफॉर्म हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि बनता है उस वक्त है जब एसीटोन का रिएक्शन हम कराते हैं, तो ये हमारे पास एसीटोन है, तो जब एसीटोन का रिएक्शन कराया जाएगा विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो हमारे पास आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी CH3। इसके अलावा हमारे पास फर्दर और भी कंपाउंड बनेंगे, लाइक सोडियम आयोडाइड बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, तो ये सब बनेंगे। तो एसीटोन का रिएक्शन असल में जब होता है आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास जो है वो आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर 9 से है ओवरऑल। क्वेश्चन 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर, दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन करने कह रहे हैं, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास इसमें एक और जाकर ऐड हो जाएगा और कंपाउंड हमारे पास बनेगा, दिस विल बी फॉर्मिक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, इसको हम मिथानोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 73 है, ड्राई डिसोल्यूशन ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू प्रोड्यूस एसीटोन। किसकी ड्राई डिसोल्यूशन से एसीटोन की फॉर्मेशन होगी? तो एसीटोन बनाने के लिए, एसीटोन से मुराद लाइक प्रोपानोन, इसकी फॉर्मेशन के लिए हम कैल्शियम एसीटेट की जो है वो ड्राई डिसोल्यूशन करते हैं। जैसे कि ये रहा हमारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद ओ, देन कैल्शियम, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन CH3। तो जब इसकी ड्राई डिस्टिलेशन की जाती है तो यहाँ से हमारा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, एसीटोन या प्रोपानोन फॉर्म हो जाता है और इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 74 है, द एलिमिनेशन रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस टेक्स प्लेस बाय टू मैकेनिज्म
E1 and E2, how many steps are involved in each of these? तो ये सेकेंड ईयर के चैप्टर 8 से हमारा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2। तो हम जानते हैं कि E1 जो है वो हमारे पास जो होता है E1 टू स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होता है, और जो E2 हमारे पास होता है वो वन स्टेप में सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, E1 एलिमिनेशन इज टू स्टेप्स एंड E2 मैकेनिज्म इज वन स्टेप। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कलाइड। ये हम 3 डिग्री अल्कलाइड की बात कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 से एक MCQ हमारे पास आया है, ठीक है। और इसमें टर्शियरी अल्कलाइड हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 2-bromo-2-methyl-butane। चूंकि जब हम ब्यूटेन बनाते हैं, लाइक दिस इज ब्यूटेन, 4 कार्बन हमने ले लिया स्ट्रेट कार्बन में, फिर 2 पर ब्रोमो ले लिया और 2 पर ही हमने मिथाइल ले लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो BR हमारे पास है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और उसके साथ जो कार्बन अटैच है दिस इज अल्फा कार्बन। चूंकि अल्फा कार्बन के एक ही 3 तरफ रेडिकल अटैच है, 1, 2, 3, दैट्स वाई 3 डिग्री हमारे पास होगा, टर्शरी होगा। क्वेश्चन 76 है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, विच ऑर्बिट हैज अ रेडियस ऑफ 4.77 एंगस्ट्रॉम। वही पता है कि रेडियस निकालने के लिए, यह हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा चैप्टर 3 के अंदर, के रेडियस बराबर होता है n² × 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो r हमारे पास हो गया 9 × 0.529। तो ये हमारे पास करीब करीब आ जाएगा 4.77 के। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज थर्ड। क्वेश्चन 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि कौन सा ऑर्बिटल होता है जिसकी एक ही ओरिएंटेशन होती है, जो एक ही एक्सिस में लाई करता है। तो वो हमारा एस ऑर्बिटल है, जो हम पी के बारे में जानते हैं, वो 3 एक्सिस में लाई करता है, डी 5 ओरिएंटेशंस में, और जो एफ ऑर्बिटल है वो 7 ओरिएंटेशंस में एग्जिस्ट करता है। 78 है, विच व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास किसके बराबर है। ये भी फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 है। तो एक प्रोटॉन हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो एक प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका ए ऑप्शन हो गया, इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट इन सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, सोडियम, तीन आइंस दिए हुए हैं, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्युमिनियम +3, और कहा जा रहा है इनमें से कौन सी चीज़ डिफरेंट है। देखिए, नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि तीनों के पास नंबर ऑफ शेल्स बराबर होंगे, ठीक है। तीनों के पास जो शेल्स होंगे वो हमारे पास 2 शेल्स होंगे, तो ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों के पास बराबर होंगे, तीनों के पास ही 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन जब सेम आ रहा है तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन तीनों के अलग अलग होंगे ना, चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इसके प्रोटॉन हमारे पास 11 होंगे, इसके प्रोटॉन 12 होंगे, उसके प्रोटॉन 13 होंगे। क्वेश्चन 80 है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? तो स्टेरिक एसिड हमारे पास, तो ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, तो इसका फॉर्मूला है C17H35CWH। तो C17H35CWH, तो टोटल कार्बन आप देख सकते हैं 17 और 18 इसके अंदर है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ऑक्टाडिकनोइक एसिड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड। कि एसीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? तो चूंकि एसीटोन एक कीटोन है, तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या चीज बनेगी? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एसीटोन, और जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इथानोइक एसिड। बिकॉज इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों चीज़ें सेम है। इथानोइक एसिड इज़ द IUPAC नेम एंड इथानोइक एसिड इज़ अ कॉमन, एसिटिक एसिड इज़ अ कॉमन नेम।
क्वेश्चन 82 है, व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ अल्फाबीटा डाइमिथाइल वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड, वैलर का मतलब होता है 5, टोटल हमारे पास 5 कार्बन आएंगे, तो ये हमारे पास वैलेरिक एसिड हो गया। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा पर भी मिथाइल लगा है और बीटा पर भी मिथाइल लगा है, तो ये हमारे पास नंबरिंग कर लेंगे तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड ये हमारे पास हो जाएगा, इसके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन। 500 डीएम क्यूब इथीन को बर्न करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का रिक्वायर होगा एसटीपी पर। तो इथीन है, इथीन हमारे पास हो गया, दिस इज C2H4, तो हम ये C2H4 लेते हैं और इसकी इसकी कंबस्टन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 डेसीमीटर क्यूब को 3 डेसीमीटर क्यूब चाहिए ना, तो 500 डेसीमीटर क्यूब अगर आपके पास इथीन मौजूद है तो ये 500 × 3, इसका मतलब कि 1500 डेसीमीटर क्यूब आपको जो है वो ऑक्सीजन गैस रिक्वायर होगी, सी ऑप्शन करेक्ट। 84 है, क्वेश्चन नंबर 84, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, टू विच ग्रुप डज इट द एलिमेंट बिलोंग। देखो 4s2 और 4p1 है ना, तो 2+1 कर दो आप, तो ये हमारे पास ग्रुप 3 आ जाएगा, 3a, चूंकि p ब्लॉक पे खत्म हो रहा है तो 3a हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 85 है, कैल्शियम फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड विद Cl, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं CaCl, कैल्शियम की वैलेंसी वैसे +2 होती है और क्लोरीन की -1 होती है, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो ये CaCl2 आ जाएगा, दैट्स बी ऑप्शन करेक्ट। 86 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर 2 कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दीज 2 कंपाउंड। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करनी है, CO2 के बारे में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास लीनियर होता है, जिसमें इस तरह से कार्बन जो है वो दो तरफ से ऑक्सीजन से अटैच होता है, दिस इज लाइक 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास एंगुलर होता है, एंगुलर या बेंट होता है, सल्फर और 2 ऑक्सीजन इस तरह से बेंट होते हैं, ठीक है। तो CO2 इज लीनियर एंड नॉन पोलर, सल्फर डाइऑक्साइड इज एंगुलर एंड पोलर, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 87 है, विच व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इन इथाइन। तो ये सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 कह सकते हैं। तो इथाइन है हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो दिस इज इथाइन। अब चूंकि आप देख सकते हैं कार्बन यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे दोनों कार्बन, तो दोनों कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी वो होगी sp, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा sp। क्वेश्चन 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द सेम वैल्यू ऑफ KC एंड KP। KC और KP सेम कब होते हैं, KC बराबर KP के कब होगा, जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मीन्स कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स हमारे पास बराबर होंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन में आप देख लें कि दोनों तरफ 2-2 मोल्स हैं, दैट्स वाई यहाँ KC और KP बराबर होगा। क्वेश्चन 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। चूंकि हेबर प्रोसेस N2+3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, ये हमारे पास होता है हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और ये रिएक्शन इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ज़्यादा यील्ड आपको अमोनिया की मिलेगी, तो डी ऑप्शन होगा डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसमें डिक्रीज करेंगे। क्वेश्चन 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में सही बात क्या है, कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और ये हमारे पास आया फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही है। क्वेश्चन 91 है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एस लेविस एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड। कह रहे बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, जब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जब इसका रिएक्शन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो लेविस एसिड है,
तो हमारे पास बेंजीन के साथ जो है वो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो लाइक आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम लोग क्यूमीन कहते हैं, और साथ में HCl भी बनेगा। ये खास रिएक्शन है क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप जाकर अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग के साथ, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्वेश्चन 92 है, बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू वन अल्काइलेशन, टू नाइट्रेशन, थ्री ऑक्सीडेशन, द प्रोडक्ट इज। बेंजीन को पहले अल्काइलेशन की गई, उसकी नाइट्रेशन की गई, फिर उसकी ऑक्सीडेशन की गई, तीन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले आप बेंजीन ले लेते हैं, और बेंजीन की जब अल्काइलेशन आप करेंगे CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारे पास जाकर बन जाएगा दिस विल बी टोलुइन, तो टोलुइन फॉर्म हो जाएगा। फिर इस टोलुइन जो आपने बना है इसकी आप नाइट्रेशन कर लें, नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रिक एसिड आपने यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो चूंकि CH3 हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो दो कंपाउंड हमारे पास बनेंगे जिसमें क्या होगा बेटा कि लाइक ये हमारे पास दो कंपाउंड बनेंगे जिसमें NO2 ग्रुप जो है वो एक जगह ऑर्थो पर आकर अटैच होगा और एक जगह आकर पैरा पर अटैच हो जाएगा। थर्ड उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड बने हैं उसकी ऑक्सीडेशन कर दे, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो इनकी जब ऑक्सीडेशन कर दी जाएगी तो हमारे पास दो कंपाउंड बन जाएंगे फिर से। और ऑक्सीडेशन आपको पता जब की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, चूँकि यहाँ पर मौजूद है टोलुइन ग्रुप, तो टोलुइन ग्रुप या CWH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है, तो NO2 यही इसी तरह ऑर्थो और पैरा पर लगेगा, तो ओ नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पी नाइट्रोबेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 93, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसकी एग्जाम्पल है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और अल्फा कार्बन के दो जाने रेडिकल्स अटैच हैं, सो दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन 94 है, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन बाय KMnO4 द प्रोडक्ट इज। टोलुइन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज टोलुइन और इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो आपको पता है कि जब KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा डी, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन 95 है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा, ये होता है CHCl3, तो उसका IUPAC नेम हम इसको कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैलिक एनहाइड्राइड ऑन ऑक्सीडेशन। ये सेकेंड ईयर चैप्टर 7 से एमसीक्यूज लिया गया है, इनमें से कौन सा मैलिक एनहाइड्राइड बनाएगा ऑक्सीडेशन करने से, तो बेटा ये बेंजीन का एक मशहूर रिएक्शन है कि बेंजीन का रिएक्शन जब हम इसको ऑक्सीजन से कराते हैं O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, वो इस तरह का होता है स्ट्रक्चर इसका। Like that, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है यहाँ पर, हेयर दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन से बन रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं बेंजीन का O2 से रिएक्शन कराने पे ये बन रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 97 है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MN इन K2MnO4। K2MnO4 में MN की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो इसको निकाल लें, ये माइनस 8 हो गया यहाँ पर, और पोटेशियम यहाँ प्लस 2 हो गया, K2 है तो -8 और +2 कितना हुआ -6, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +6, जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 98, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता है एक लंबी सीरीज चलती है हमारे पास है, जिसको हमने पढ़ा था लाइक लेके खाना मजे से आला मन जो करे, तो लेके खाना मज़े से आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदर, उसके बाद प्यार भरी छापा। तो ये तो हमने इसको इस तरह से बनाते हैं, इसको हम, ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, और इसमें पता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जो
एसआरपी वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव आती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और हाइड्रोजन से नीचे पॉजिटिव आती हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं सब की, जैसे जिंक की बात कर लेंगे, तो ये माइनस का 0.76 है, नेगेटिव में आ रही है। तो ये कौन सी वैल्यूज की बात करें, ई नॉट रेड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें स्टैंडर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 99 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू, ये सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद फर्दर क्लोज चेन को हम क्लासिफाई करेंगे तो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ये चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन में देखो पांच कार्बन है, अब आपको पांच पांच कार्बन गिन लेने। देखो एन पेंटेन में पांच कार्बन होंगे, टू मिथाइल ब्यूटेन एक कार्बन यहाँ, चार कार्बन यहाँ, पांच यहाँ हो गए, टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन दो कार्बन यहाँ होंगे, तीन यहाँ होंगे। तो डायरेक्ट इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वो कंपाउंड है, तीनों वो कंपाउंड है जो कि पेंटेन के आइसोमर्स होंगे, लाइक C5H12 जिसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इस तरह से ट्रिक लगाकर इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना स्ट्रक्चर बनाकर भी कर सकते हैं, बट आई नो कि आप जानते हैं इसको किस तरह किया जाता है। क्वेश्चन 101 है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रोपानल एंड एसीटोन एक्सिबिट। तो प्रोपानल, प्रोपानल से मुराद लाइक ये हमारे पास है प्रोपानल, ठीक है, एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास एसीटोन है। दोनों अगर देख सकते हो तो दोनों C3H6O है, दोनों C3H6O है, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब कौन से आइसोमर है, चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आना एल्डिहाइड का, इसमें हमारा कीटोन का है, तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्वेश्चन 102 है, ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डैश। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ का ग्राफ हमसे बनाने को कह रहे हैं। जैसे एक बॉयल्स लॉ में आप जानते हैं कि जब हम वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमारे पास एक कर्व लाइन ड्रा होती है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, फर्स्ट अ कर्व देन अ स्ट्रेट लाइन ये भी नहीं, फर्स्ट अ स्ट्रेट लाइन देन अ कर्व ये भी नहीं, बल्कि नॉन लीनियर होगी। नॉन लीनियर भी हो सकता था, यहाँ पर कर्व भी हो सकता था, इन्होंने नॉन लीनियर कह दिया, तो ये सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 103 है, अच्छा ये जो मैं जिस पेपर से कर रहा था इसको सॉल्व, तो मुझे पास वैल्यूज़ यहाँ पर ठीक तरह से मौजूद नहीं थी, दैट्स वाई मुझे इसका इसके बारे में आइडिया नहीं है। बट आंसर कीज अगर हम JSMU ने जो अपलोड किया उसके अंदर 0.542 dm³ है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P1V1/T1=P2V2/T2। मतलब मैं तरीका बता दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने का क्या होगा। तो वॉल्यूम बताना है, V2 बताना है, तो V2 बराबर हो गया P1V1T2/T1 and then P2। देखो बाकी बस यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो जो है वो T2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ये हमारे पास V1 की वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर मौजूद होगी। तो इन दोनों की वैल्यूज रख के बाकी वैल्यू पता है, हम V2 निकाल लेंगे, 0.542 आ जाएगा जी। क्वेश्चन 104, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज रेफर्ड टू एज एब्सोल्यूट जीरो। इनमें से कौन सा टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। एब्सोल्यूट जीरो जहाँ पर, जिस पर तमाम गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, तो वो हमारे पास या तो जीरो केल्विन होता है, या सेंटीग्रेड में कहले तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या -460 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। अब यहाँ पर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमने लगा लिया ये ऑप्शन। क्वेश्चन 105 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन दिस एंड हाइड्रोजन दिस एंड ऑक्सीजन दिस, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीनों की परसेंटेजेस दी जा रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि बताएं इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको परसेंटेज आपको दी हुई है ना, मोल रेशियो आपको मालूम करना पड़ेगा, दैट इज कार्बन का निकालने के लिए 40/12, हाइड्रोजन का निकालने के लिए 6.67/1, ऑक्सीजन के निकालने के लिए 53.3/16, ठीक है। तो इसके बाद इसकी हम यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 40 को जब 12 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी 3.33, और ये तो 6.67 आएगा, और जब 53.3 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये भी आंसर सेम इसी तरह से 3.33 रहेगा। तो इसका मतलब सिंपलेस्ट मोल रेशियो जब हम इसका निकालेंगे तो इसका यहाँ पर 3.33 लीस्ट से डिवाइड करेंगे 6.67/3.33, और ये 3.33/3.33, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो CH2O हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 एंड देन ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 105 में।
अच्छा, ये जो एमसीक्यूज मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, तो ये कोड ए के हैं, कोड ए जिनका आया है एमडी कैट के अंदर, उनका इसी सीक्वेंस में होगा, अदरवाइज सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 7.6 ग्राम ऑफ CS2 इज रिएक्टेड विद 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डैश। तो ये कह रहे हैं CS2 और O2 है, इसके रिएक्शन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, तो हमें दोनों को से निकालना पड़ेगा कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हमको हमारे पास कौन कर रहा है, इसको देख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, जैसे इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो जब आप इसको स्टोइकोमेट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें रिएक्टेंट्स को सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। मैं तरीका बता देता हूँ कि दैट इज 12 + 64, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 76, और डिवाइड बाय इसको 1 करेंगे तो 76 रहेगा ये, ठीक है, ये CS2 का आ गया। ऑक्सीजन का जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पहले इसके निकाले जाएंगे, तो जब हम इसके मोल्स निकालेंगे CS2 के, दिस विल बी 7.6 डिवाइडेड बाय 76। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1, ठीक है, तो 0.1 हमारे पास ये इसका आ गया, ठीक है। तो अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, 12.8 डिवाइड बाय 32 है, तो 12.8 डिवाइड बाय ऑक्सीजन के लिए 32 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4, और 0.4 को जब जो है वो 3 से कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा, दिस विल बी 0.13। तो जो कम जिसके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो 0.1 वो CS2 के आ रहे हैं, दैट्स वाई हमारे पास जो है वो CS2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाटर राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ डैश। जब आप कोई बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर पानी डालते हैं और उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाल देते हैं, जो एक थिन सी एक ट्यूब होती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर इसके अंदर क्या होता है, राइज करता है। क्यों राइज करता है, क्योंकि वाटर का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है उसके कोहेसिव फोर्स से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सीड कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पर लगा रहे होते हैं, और कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स आपस में लगा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग एंड लिक्विड टेक्स प्लेस। तो इनमें से कौन, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा कर रहा होता है, तो हमें पता है कि जो आउटसाइड प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर जिसको हम लोग जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसके कम या ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम शो ऑप्टिमम एक्टिविटी बिटवीन दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर। एंजाइम इस खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या होता है, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। हाउ एवर इट वर्क्स अबव 50 डिग्री पे तो नहीं एक्ट करते, 37 पे भी नहीं करते, इट लूजेस एक्टिविटी परमानेंटली अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर टेम्परेचर करेंगे 50 से, तो जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगी एंजाइम की, और 37 से नीचे करेंगे तो परमानेंटली नहीं लॉस होती, टेम्पोरी लॉस होती है। दोबारा टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है 37 से ऊपर, तो वो एक्टिविटी वापस लौट आती है एंजाइम की। क्वेश्चन 110 है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल गिव्स। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, इसी की हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिहाइड्रोजनेशन की थी। अब इस बार ऑक्सीडेशन करनी है तो सेम वही चीज़ होगी, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन के साथ वाटर बन के निकल जाएगा, और हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो लाइक सेक प्रोपाइल अल्कोहल है ना, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सॉरी सेक प्रोपाइल है ना ये, तो CH3 यहाँ पर भी होगा, ओके। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्वेश्चन 111 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड। इनमें से अमाइनो एसिड कौन सा है, अमाइनो एसिड क्या होता है जिसमें एक NH2 ग्रुप भी हो और उसमें एक COOH ग्रुप भी हो,
दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। बेंजोइक एसिड में आपको पता है सिर्फ सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है, तो ये एक अमाइनो एसिड नहीं हो सकता। पाल्मिटिक एसिड तो हमारे पास ही बेटा, ये एक फैटी एसिड है, तो ये भी नहीं हो सकता। एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, तो ये हमारा एक एसिडिक अमाइनो एसिड होता है जिसमें सी डब्ल्यू एच ग्रुप दो होते हैं और एक एन एच टू ग्रुप होता है। एनिलीन भी नहीं हो सकता, एनिलीन तो बस इसमें सिर्फ एन एच टू ग्रुप होता है बेंजीन के साथ जो अटैच होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एस्पार्टिक एसिड करेक्ट है। क्वेश्चन 112 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ यूनिट ऑफ के इज सेकंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 है केमिकल काइनेटिक्स, कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा अगर रेट कांस्टेंट, के से मुराद यहां पर दिस इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास क्या निकलेगी, सेकंड इनवर्स। देखिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इक्वल टू के, और ये हमारा हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल से मोल और डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स आया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास सेकंड इनवर्स निकलती है। क्वेश्चन 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द आयनिक रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें पता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें सॉल्ट वगैरह आ जाएंगे, ये सब बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वेरी फास्ट। क्वेश्चन 114 है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैज अ ट्रेंड डैश, मींस कि अगर हम बात करते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी की, जैसे ग्रुप 3 से लेकर अगर हम चलते हैं ग्रुप 3A, 4A, 5A, इसी तरह से 6A, इस तरह से 7A और 8A, अगर हम इस तरह से दिस इज अ पी ब्लॉक ग्रुप 3A से लेकर 8A तक, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सूरत में क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है भाई, डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो उसका ए ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज। क्वेश्चन 115 है, सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1A हैज़ फॉर्मूला डैश। सुपर ऑक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी माने साफ होती है, तो पोटेशियम बनाते सुपर ऑक्साइड के ओ, पोटेशियम की प्लस वन होती है, ऑक्सीजन की माने साफ होती है, तो वैसे तो के हाफ ओ होना चाहिए, लेकिन हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके के ओ 2 बना लेते हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहलाता है। तो एम ओ 2 हमारे पास हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला, जो 1A ग्रुप के सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। क्वेश्चन 116 है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स मार्केटली डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो लिथियम और बेरिलियम, हमें पता है कि लिथियम ग्रुप 1A में और जो बेरिलियम है 2A ग्रुप का स्टार्टिंग मेंबर है, ये अपने रिस्पेक्टिव मेंबर से अलग होते हैं, अपने स्मॉल एटॉमिक रेडियस की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है इनकी जो कि बाकी एलिमेंट से मैच नहीं करती इनके अपने ग्रुप के, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। इन चारों में से कोवेलेंट क्रिस्टल कौन से, देखो ये तीनों तो आयनिक क्रिस्टल हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है, डायमंड वाहिद है जो कि हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल है। 118 है, द नेचर ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड मॉलिकुलर क्रिस्टल्स। तो मॉलिकुलर क्रिस्टल्स को होल्ड करने के लिए आपको पता है कि वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं जो मॉलिकुलर क्रिस्टल्स को होल्ड करके रखते हैं, इसी को वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, इसी को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कह रहे होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज नो ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, तो एक ही बात है, साइंटिस्ट का नाम था वैन डर वाल, इसके नाम पर है। क्वेश्चन 119 है, विच इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 है केमिकल एनर्जेटिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यहाँ एनर्जी है, क्यू इंटरनल एनर्जी, क्यू यहाँ हीट है और डब्ल्यू यहाँ पर वर्क डन है। क्वेश्चन 120 है, व्हाट इज डेल्टा एच इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जो है वो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, तो डेल्टा एच हमारे पास क्या होगा, दिस इज एंथैल्पी, तो एंथैल्पी बराबर होता है डेल्टा ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी के बराबर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 121, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये सेकेंड ईयर चैप्टर 5 है, डी ब्लॉक एलिमेंट से लिया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, प्रेजेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से उनके अंदर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टी टू जी टू ई जी विद इन डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से इनकी जो है वो
कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। सी होगा होल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। होल्स जिनको हम लोग वॉइड्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहते हैं, इनमें क्या होता है कि छोटे छोटे एटम्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अलॉय वगैरह बन जाते हैं। इसी तरह से डी है स्मॉल हाईली चार्ज आयंस एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सूटेबल एनर्जी। इसकी वजह से जो है ना वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये सी है वो रीज़न जिसकी वजह से ये हमारा जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। क्वेश्चन 122 है, लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। द लिगेंड डाई इथिलीन ट्राई अमाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डाई इथाइलीन ट्राई अमाइन एग्जाम्पल किसकी है? ट्राई अमाइन से मरा देख लो बेटा, मतलब NH2 ग्रुप हमारे पास तीन बार होंगे ना ट्राई अमाइन, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अब इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? तीन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो ये हमारा ट्राई डेंटेट लिगेंड है, बिकॉज ये ट्राई अमाइन है। एक तो इथाइलीन डाई अमाइन होता है और ये डाई इथाइलीन ट्राई अमाइन है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया बच्चों, लाइक दिस इज ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब इंग्लिश सेक्शन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 177 है, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट इन द फॉलोइंग ऑप्शन। फ्रेगमेंट किसे कहते हैं? फ्रेगमेंट का मतलब होते हैं फ्रेश, मतलब जो मुकम्मल मायने ज्यादा, कोई ऐसा बताइए। ही वेंट टू द स्टोर क्विकली बिफोर द रेन स्टार्टेड द कैट, इसमें यूज होना चाहिए था इज सिटिंग ऑन द विंडो, शी हैड अ डिलीशियस मील। देखो यहाँ जो बी ऑप्शन है ना, क्विकली बिफोर द रेन स्टार्टेड, तो ये इसमें यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, तो दिस इज अ फ्रैगमेंट और दिस इज अ फ्रेज। क्वेश्चन 178 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। दैट इज मैरीज बुक, द डॉग्स लीश इज इन द कार, इट्स अ ब्यूटिफुल डे आउटसाइड, द चिल्ड्रंस टॉयज आर इन द प्ले रूम। तो उसका सी ऑप्शन होगा, चूंकि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी इट इज, इस तरह से एपोस्ट्रॉफी यूज करनी चाहिए थी, तो इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, तो उन्होंने एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं किया, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होनी चाहिए थी, दैट्स वाई सी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ पास्ट टेंस। इसमें पास्ट टेंस कौन सा है भाई? तो ये बड़ा आसान है, सी ऑप्शन, चूंकि देखो ही शी विल गो टू द स्टोर यस्टरडे, ये तो हमारा फ्यूचर है ना, फ्यूचर सिंपल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। दे विल बी ईटिंग लंच नाउ, तो ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, चूंकि विल बी के साथ एनजी आ गई। वी आर मीटिंग देम टुमारो, इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म आई, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बच गया हमारे पास सी, यही है पास्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचाना आपने? हेड के साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन 180 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। शी यूजुअली गोस फॉर जॉगिंग इन द इवनिंग, इन द इवनिंग गोस शी यूजुअली फॉर जॉगिंग, ये तो नहीं होगा। She goes to the usually for jogging evening, ये भी नहीं होगा। Usually she for jogging goes in the evening, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, She usually goes for jogging in the evening, जो कि एक करेक्ट पैटर्न के लिहाज से बना हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन 181 है, What will be suitable response to the question, How was your day at school? मतलब आपका स्कूल में दिन कैसा रहा, इसके जवाब क्या देंगे आप? आई एम गोइंग टू द पार्क, बिल्कुल नहीं। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, बिल्कुल नहीं। इट वॉज ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, ये सही आंसर है। दैट्स इज एन ईजी क्वेश्चन ना, बिकॉज एप्रोप्रिएट बस आपको रिस्पॉन्स बताना है। आई डोंट लाइक स्कूल, ये भी इसके जवाब में नहीं हो सकता। क्वेश्चन 182 है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस हिज कार, हिज द कार इज रेड। अच्छा यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मैंने चेक किया, आई थिंक ये क्वेश्चन इसी तरह से था, यहाँ पर मुझे इसके दो आंसर करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। वैसे तो जो JSMU की है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, JSMU की जो है जो आ जाई है उसके अंदर ये करेक्ट है, हिज कार इज रेड, सही बात है, क्योंकि दी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम हिज को भी हटा दें तो द कार इज रेड, कार लाल है, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो मेरे लिहाज से इसका बी भी करेक्ट होना चाहिए और सी भी करेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, अगर ये इसी तरह से है तो फिर ये एक रॉन्ग क्वेश्चन मेरे लिहाज से होता है, ठीक है। तो इसको देखना चाहिए JSMU को कि ये इसमें दो आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। अब या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई जिसकी वजह से कुछ मसला आया है। क्वेश्चन 183 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब होता है सखी या फयाज, हम कह सकते हैं ना, इसका ओलट हो जाएगा सेल्फिश, सेल्फिश मतलब खुदगर्ज, तो ये जेनरस के जो है वो रिवर्स है या अपोजिट है, एंटोनियम है। क्वेश्चन 184 है, द सन बिगेन टू डैश बिहाइंड द माउंटेन्स कास्टिंग अ वार्म एंड ब्यूटीफुल ग्लो अक्रॉस द वैली। तो यहाँ पर हो जाएगा राइस, द सन बिगेन टू राइज बिहाइंड द माउंटेन्स।
casting a warm and beautiful glow across the valley. तो वो तुलु तुलु होना शुरू हुआ सूरज पहाड़ों के पीछे से, और उसने फेंका एक वार्म और ब्यूटीफुल ग्लो पूरे वैली में। चूंकि सेट नहीं होगा, जो डूबेगा तो ऐसी बात है ना, तो वो तो अंधेरा फैलाएगा ना कि रोशनी। क्वेश्चन 185 है, आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क सारा फाउंड डैश इन हर फेवरेट बुक एस्केपिंग इनटू अ कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड। तो कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड, तो यहाँ पर सारा फाउंड सोलेस होगा। सोलेस, सोलेस के मतलब होते हैं सुकून, राहत, आराम, चैन, दैट सोलेस। केओस, केओस का मतलब तो हो रहे हैं अफरा तफरी, तो ये सेंस सही नहीं बनेगा। एंड्योरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त, तो इसका भी सेंस सही नहीं बनेगा। एग्नी का मतलब होते हैं अजियत या तकलीफ, तो इसका भी सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 186, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। इसमें यहाँ पर जो SMU की कीम है, अगर इसी तरह से क्वेश्चन है तो JSMU की कीम है यहाँ पर, आई एम गोइंग टू स्टोर, डू यू नीड एनीथिंग, ये वाला लगा हुआ है, बट आई थिंक ये सही नहीं है। इस तरह से होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आई एम गोइंग टू द स्टोर कॉमा, डू यू नीड एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इनवर्ट कॉमा क्लोज, बिकॉज ये एक रिपोर्टेड स्पीच पे कोई बात कही जा रही है, कोटेशन है किसी इंसान की कही हुई बात है ये, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसमें सी में लगाया गया, तो मेरे लिहाज से, जो मेरी एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दें जिस इंग्लिश के ही, जिससे मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है ये इसके अंदर कोई। क्वेश्चन 187 है, विच सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकल स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। कौन सा सेंटेंस का एक करेक्ट ग्रामेटिकल स्टाइल और स्ट्रक्चर है? दे आर प्लेइंग सॉकर, द प्लेइंग सॉकर ये तो नहीं होगा, दे आर प्लेइंग सॉकर ये भी नहीं होगा, दे हैव प्ले सॉकर ये भी नहीं होगा, चूंकि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थे यहाँ पर। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, दे आर प्लेइंग सॉकर। ये कंडेंस फॉर्म में, शॉर्ट टर्म फॉर्म में लिखा गया है, तो यहाँ पर होना चाहिए दे आर प्लेइंग सॉकर, एक ही बात है, मतलब कंडेंस फॉर्म में लिखा गया, कॉन्ट्रेक्शन यूज किया गया इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 188 है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी इन द पोजेसिव्स। द कैट्स टॉयज आर इन द कॉर्नर, द कैट्स टॉयज आर इन द कॉर्नर, कि बिल्ली के खिलौने किनारे पर मौजूद है। The cat's toys are in the corner. The car's toys, तो ये इसमें तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा सी है, the cat's toys are in the corner. वैसे अगर ये इस तरह से आता है ना, cat's toys are in the corner, कि बिल्लियों के खिलौने किनारे पर हैं, तो आई थिंक ये भी सही हमारा हो जाएगा। आप इसको चेक कर लें एक बार, आई थिंक को मैंने तो इसमें इस तरह टाइप किया, रिक्रिएट किया है पेपर को ओवरऑल, तो ये देखें अगर इसी तरह से, तो दिस क्वेश्चन, दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। बट की के अंदर, तो जो JSMU की की है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ जो है वो बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है 189 है, विच आर्टिकल शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो हम यूज करेंगे ब्लैंक में, ताकि सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट हो जाए। ही लिव्स इन डैश ओल्ड हाउस। अब ओल्ड आ रहा है तो एडजेक्टिव है, चूंकि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा आ या एन हम लगाते हैं। अब चूंकि ओल्ड हमारे पास वाउल साउंड दे रहा है, तो एन लगना चाहिए, दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट है। 190, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज गुड एट लुकिंग इन द किचन। तो प्रेपोजिशन एट शुड बी ऑमिटेड, ऐसा नहीं होगा, गुड एट सही होता है, गुड के साथ एट आना चाहिए। द प्रेपोजिशन इन शुड बी ऑन, इन द किचन ऑन द किचन नहीं होगा, ये भी गलत है। द प्रपोजिशन कुकिंग शुड बी टू कुक, ये भी नहीं होगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है, प्रपोजिशन वाइज ही करेक्ट सेंटेंस लिखा गया है। क्वेश्चन 191 में भी एक मिस्टेक हमारे पास है, अगर ऑप्शन यही है जो मैं बता रहा हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिहाज से बताया जा रहा है, बताएं करेक्ट क्या है। द कैट आर स्लीपिंग, ये तो गलत है, द कैट्स इज स्लीपिंग, ये गलत है, लेकिन द कैट इज स्लीपिंग एंड द कैट्स आर स्लीपिंग, ये दोनों सही हो सकते हैं। अगर ये दोनों इस तरह से ही लिखे गए हैं, तो फिर द कैट इज स्लीपिंग भी सही है, चूंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है, और यहाँ प्लूरल वर्ब के साथ जो है वो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है, तो ये करेक्ट है। तो दो ऑप्शंस इसमें भी करेक्ट हो सकते हैं, तो इंग्लिश में थोड़े मसले हैं इसमें कीज के अंदर जो मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन। पैसेज पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नोबडी नोज व्हेन फिक्शन स्टार्टेड, परहैप्स द फर्स्ट स्टोरी टेलर वॉज अ प्री हिस्ट्रिक मदर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड टू हर चिल्ड्रेन, और मे बी इट वॉज अ हंटर टॉकिंग अबाउट हिज एडवेंचर अराउंड द कैंप फायर, हु कैन टेल।
What we do now, though, is that storytelling was a purely activity around 800 BC. Myths and tales were passed down by word of mouth and had to be popularized by each new generation of storytellers. This oral tradition, only example of Homer, a professional storyteller who lived in the 8th century BC. So, this is the passage जो कि आपको given था. एथनिक फिक्शंस के बारे में है. तो क्वेश्चन 192 है, द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ फिक्शन इज. तो यहाँ फिक्शन से मुराद क्या है? फिक्शन से मुराद यहाँ है नैरेटिव, या कोई दास्तान जो लोग अपनी दास्तान दूसरों को सुनाते थे, इसके बारे में. क्वेश्चन 193 है, मिथ्स वर पास्ड डाउन बाय. मिथ्स जो है वो दास्तानें जो है वो आगे बढ़ती हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जो है ना वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आगे बढ़ती हैं, मतलब जबानी कलामी आगे बढ़ रही होती है. क्वेश्चन 194, इट इज स्ट्रेस दैट पैसेज दैट स्टोरी टेलिंग बिगेन एज अ रिटन एक्टिविटी नहीं, बिकेम फार मोर पॉपुलर विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग नहीं, वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमर इन एंशिएंट टाइम बिल्कुल नहीं, पॉसिबली बिगन इन प्री हिस्टोरिक टाइम. ये सही है कि बहुत कदीम जमाने में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ये शुरू हुई थी. तो इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पर खत्म हो गया हमारे पास. इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है. क्वेश्चन 195 है, ईसा इज यंगर देन मूसा एंड वाई. ईसा जो है ना वो मूसा से यंगर है, मतलब ईसा जो है वो छोटा है और मूसा जो है वो बड़ा है. कह रहे एक्स, अच्छा दो लोग और हैं, एक्स है जो ट्वाइस एज का है ईसा के, और वाई की जो एज है वो मूसा जैसी है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इन्फॉर्मेशन, कि एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है एक्स से, या एक्स और वाई हमारे पास दोनों बराबर हैं. तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो देखना पड़े कि यहाँ पर देखें एक्स जो है ना वो ट्वाइस ऑफ ईसा, ईसा की एज कितनी है हमें नहीं पता. मतलब लाइक ऐसा भी हो सकता है कि जब हम डबल करेंगे एक्स ईसा की एज को, तो क्या पता वो मूसा से बड़ा हो जाए, ये क्या पता बराबर हो जाए, या क्या पता सेम कम हो रहे. तो ये रिलेशनशिप हमारे पास ठीक नहीं है. तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इसमें रिलेशनशिप को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, लुक केयरफुली एट द सिंबल्स टू फाइंड द पैटर्न, सेलेक्ट द पैटर्न फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शंस गिवन बिलो. कह रहे हैं कि केयरफुली देखें सिंबल्स में जो पैटर्न मौजूद हैं, और जो है वो पैटर्न सेलेक्ट कर लें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, करेक्ट क्या है. तो देखिए एक दो तीन चार और पैटर्न दिए गए ना, पहले ये फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ यहाँ से आगे बढ़ा, फिर ये आगे कम्प्लीट हो, ये कम्प्लीट हो जाएगा हमारे पास. तो इसका हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों कम्प्लीट हो जाएंगे इस तरह से. तो एक भी वर्बल रीजनिंग, हम नॉन वर्बल रीजनिंग हमारे पास थी पिक्चर सीरीज. क्वेश्चन 197 है, सारा इज 5 रैंक्स बिलो द टॉप स्टूडेंट 5 इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, व्हाट इज सारा'स रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास. सारा के बारे में कहा जा रहा है कि जो फाइक है, फाइक जो है वो फर्स्ट रैंक पे आया हुआ है, फिर उसके बाद 5 रैंक्स बिलो, मतलब 5 रैंक नीचे है इससे, जैसे फर्स्ट है ना तो 2, 3, 4, 5, 6, तो छठे नंबर पर यहाँ पर सारा है और 50 बच्चों की क्लास है. बताएं सारा का रैंक क्या होगा नीचे से अगर हम देखेंगे, तो नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो 45th रैंक जो है वो सारा की हमारे पास आएगी, सी ऑप्शन. क्वेश्चन 198, इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड रेड, एंड रेड इज कॉल्ड येलो, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क. दूध का कलर क्या होगा, चूंकि दूध व्हाइट होता है तो व्हाइट को रेड कहा जा रहा है, तो मिल्क का कलर हमारे पास इसके इस कंडीशन के मुताबिक रेड हो जाएगा. क्वेश्चन 199 है, रीड द स्टेटमेंट एंड फॉलो and following courses of action carefully, then select the most appropriate option. तो course of action का सवाल है logical reasoning में. ये statement दी गई है, English language skills of students in XYZ schools are below the town average. क्या करना चाहिए, course of action, all English language teachers in XYZ school should be replaced with good one. नहीं, ऐसे नहीं होगा, चूँकि वो उनकी जॉब चली जाएगी, तो एक बेहतर काम नहीं है करना इसको. all English language teachers in XYZ school should be provided a training course. ये बेहतर है, train उनको कर दिया जाए. तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच इज द सेकंड अप्रोच, जो ज़्यादा बेहतर है. लास्ट क्वेश्चन है, रीड द टू स्टेटमेंट्स केयरफुली देन चूज द बेस्ट फ्रॉम द ऑप्शंस टू फॉलो. दो स्टेटमेंट है और फिर कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन इसके अंदर है. स्टेटमेंट वन है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी. स्टूडेंट द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड. तो सिंपल सी बात है कि ये कॉज था, सबब था जिसकी वजह से असर ये निकला कि फुटबॉल का मैच कैंसिल हो गया. तो स्टेटमेंट वन जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट टू इसका जो है वो अफेक्ट है.
बेटा ये सारे हमारे पास जो है ओवरऑल जो है वो तीन पोर्शंस थे, केमिस्ट्री, इंग्लिश के और जो है लॉजिकल रीजनिंग के। आई होप सो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स के लिए। आप सब इंशाल्लाह अच्छे एग्रीगेट से कामयाब होकर MBBS PDS में जो आपके डिज़ायर्ड फील्ड में उसमें आपको एडमिशन मिलेगा अल्लाह के फजलो करम से। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।